गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स. इसमें हमने लास्ट पेल्विक बोन्स जो है वहाँ तक पढ़ा था. उसके बाद पेल्विक बोन्स के बाद शोल्डर बोन्स वाला भी पढ़ा था, रिब केज पढ़ा था, बैक बोन पढ़ा था. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे द स्कल से, जहाँ से हमारा रिमेनिंग टॉपिक बाकी है. 71 पेज नंबर पे दिया है टेक्स्ट बुक में. ओके, तो आज हमको क्या क्या पढ़ना है? कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है. तो आपको पेज नंबर 71 पे दिया है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टूगेदर. इट एनक्लोजिज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन. स्कल मतलब गुजराती में बोलते हैं खोपड़ी. ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका जो ब्रेन है जहाँ से आप हर सारी एक्शन वहाँ से ही होती है, वहाँ से जो थिंकिंग होती है उसी से आप क्या कर सकते हो, सारी एक्शंस और मूवमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा, स्कल जो है वो कई सारे बोन्स से बना है और वो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ओके, वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ अवर स्केलेटन. देर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एज कैन वी बेंड. दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज. यहाँ पे क्या दिया है, कुछ ऐसे बोन्स है स्केलेटन में जो क्या है, बेंड नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बोन्स भी है जो क्या होते हैं, बेंड होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कार्टिलेज बोलेंगे. ओके, फील योर ईयर. जैसे कि आपका एग्जांपल में क्या आएगा, कार्टिलेज में जैसे कि आपका जो कान होता है तो उसको आप ऐसे पकड़ोगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बोन्स है वो इजीली बेंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसे कार्टिलेज बोल सकते हो. सेम आपका जो नोज वाला होता है, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे मूवमेंट उसे दे सकते हो, तो ये क्या होगा, आपका कार्टिलेज होगा. ओके, फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन बॉनी पार्ट्स डेट कैन बी बैंड. देर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर इजंट इट. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन ईयर लोब एंड द पोर्शन अबोव इट. यहाँ पे क्या करना है, डू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर. यहाँ पे जो पार्ट है आपका, ये वाला आपको फिंगर से क्या करना है, प्रेस करना है. जैसे ही आप यहाँ से फिंगर से प्रेस करोगे तो आपको फील होगा यहाँ पे, जैसे कोई एक बोन्स ऐसा फील होगा. लेकिन जनरली आप ऐसे मूवमेंट करोगे तो ये इजीली क्या होता है, बैंड हो जाता है. ओके, तो इसे आप कार्टिलेज बोल सकते हो. यू डू फील समथिंग इन अपर पार्ट्स ऑफ ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन. ये जो है पार्ट वो क्या है, इससे क्या है, ये जो आपका लोब है नीचे वाला, इसके जितना सॉफ्ट नहीं है लेकिन बोन्स के जितना हार्ड भी नहीं है. ओके, यहाँ पे यही दिया है, दिस इज कार्टिलेज एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी. आपके बॉडी में जो जो जॉइंट है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. हमारा जो skeleton है वो किससे बना है, कई सारे bones, joints and cartilage से बना है. You could feel bend and move many of them. Draw a net figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in our body and about the joints that help us to move in different ways. What makes the bones move the way they do? Make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. क्या करना है, आपको फिगर ए दिया है, ऐसे करना है और आपको अपने थंब से आपके शोल्डर को क्या करना है, टच करना है. ओके, यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड. डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इन अपर आर्म, दिस इज मसल. यहाँ पे जैसे ही आप ऐसे करके यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे आपका जो है मसल जो होता है वो यहाँ पे आपको अपर रीजन, स्वॉलन मतलब कि ऐसा बाहर निकला हुआ थोड़ा रीजन दिखेगा जहाँ पे क्या है, आपके मसल्स प्रेजेंट है. दिस इज अ मसल, द मसल बल्ज इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू नॉर्मल पोजिशन. मसल क्या है, जब भी आप हैंड को क्या करते हो, मसल को बल्ज करना मतलब कि जैसे आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, मसल एक जगह पे इकट्ठा होकर क्या करेंगे, यहाँ पे शेप चेंज कर देंगे, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, आपके मसल प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो. और ये कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साथ में आप क्या करते हो, उसे जोड़ देते हो, साथ में लाना. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. वॉट हैपन टू मसल, इट इज स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन. आपके लेग में भी मसल्स होते हैं यहाँ पे, जब भी आप रनिंग करते हो या वॉकिंग करते हो, ज़्यादा रनिंग वॉकिंग करोगे तो आपके मसल्स जो है
वो क्या होने लगता है, उसमें पेन धीरे धीरे होने लगता है क्योंकि आपको डेली रूटीन नहीं है भागने का या दौड़ने का। ओके, तो यहाँ पे मसल का आपको दिया है, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर स्टीफर एंड थिकर इट पुल्स द बोन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मसल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और थिकर हो जाएंगे। इफ पुल्स द बोन, वो क्या करेंगे, बोन को जो क्या करेंगे, पुल करेंगे। मसल्स वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस टू मूव द बोन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या करेगा, मसल दोनों तरीके से काम करेगा, एक क्या करेगा, पुल करेगा, ओके, और दूसरा क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम भी करेगा। तो दोनों तरीके से मसल काम करता है। The relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position while the first relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. Muscle क्या करता है, pull ही करता है, push नहीं करता, okay? Thus two muscles have to work together to move a bone. Bone को movement कराने के लिए muscles अपना काम करते हैं, pull करने का। Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about the earthworm or a snake? यहाँ पे आपको पूछा है कि सारे एनिमल में जो मूवमेंट होता है बोन्स का, वो मसल के थ्रू होता है, तो जनरली क्या आएगा, हाँ मसल के थ्रू ही वो उनका मूवमेंट हो सकता है। ओके, उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है गेट ऑफ एनिमल्स, ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। आज आपको ये तीनों डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।